हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी के सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। तो देखिए, रियलमी का सॉफ्टवेयर अपडेट, रियलमी के सारे डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि है रियलमी के 3, रियलमी के U1, तो रियलमी के C1, तब रियलमी के 2 Pro, उसके बाद आप देख सकते हैं रियलमी 2, ये सब की डिवाइस में अपडेट रोल आउट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रियलमी U1 में 20 तारीख को अपडेट रोल आउट किया गया है, रियलमी C1 को 28 तारीख को अपडेट रोल आउट किया गया है, 2 Pro को 27 तारीख को, रियलमी 2 को 28 तारीख को। ये सारे के सारे डिवाइस में रियलमी ने अपडेट रोल आउट कर दिया है। तो रियलमी एक चीज़ बता देती है कि सारे के सारे इंडियन का जो रिटेल यूनिट है, वो रिटेल यूनिट में अपडेट जाने के लिए बस लग जाएंगे 1 वीक। तो अभी भी मेरे कॉमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कॉमेंट ये आ रहे हैं कि मुझे रियलमी 2 Pro में अभी तक अपडेट नहीं मिला, रियलमी 2 में अभी तक अपडेट नहीं मिला, रियलमी C1 में अभी तक अपडेट नहीं मिला। तो आज मैं आपको को बताऊंगा क्यों अपडेट नहीं मिल रहा है, और अपडेट अगर आपको करना है तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहा है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं और साथ ही साथ अपना फ़ोन को अपडेट भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, 100% बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, और ऐसे वीडियो देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सीधे देख लीजिए, मैं यहाँ पर रियलमी इंडिया का कम्युनिटी का जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट पेज में हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओनली ऑन इंडिया की। तो आप देख लीजिए, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट पेज में आपको यहाँ पे सारे के सारे फ़ोन का रोम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से रोम डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आपके सामने बात तो ये करने वाला हूँ कि क्यों आप लोगों के फ़ोन में अपडेट अभी भी रिसीव नहीं हुआ। तो इसका 2 रीजंस हो सकते हैं, 2 रीजंस के अलावा मुझे कुछ रीजंस मालूम नहीं है। तो 2 रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। एक है, आप अपना फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक करके रखें। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तो ये है कि बूटलोडर अनलॉक करने से आपका जो कि वारंटी में अफेक्ट तो नहीं करेगा, पर यहाँ पे आपको OTA मिलना बंद हो जाएगा अगर आप अपना बूटलोडर को रिलॉक करते हैं। उसके बाद जाके आपको OTA अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। या बात करें, देखिए रियलमी 2 में, तो रियलमी 2 और C1 में तो बूटलोडर अनलॉक हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसका अपडेट अभी भी हमारे पास नहीं आया है। पर अगर आप बात करें रियलमी 2 प्रो को, तो वहाँ पे आपको बूटलोडर अनलॉक देखने को मिला है। शायद आप बूटलोडर अनलॉक किया हुआ है इसीलिए आपको अपडेट नहीं मिल रहा है। अगर आप बात करें रियलमी 2 और C1 की, शायद आप रियलमी 2 और C1 में शायद यहाँ पे रूट करके रखें, या रूट का कुछ ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें जिसके मदद से कुछ रूट आपके फ़ोन में शायद इंस्टॉल हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पर अपडेट नहीं मिल रहा है आपको। तो इसको जाके चेक कीजिए, आपका फ़ोन में रूट आया कि नहीं आया, इसको जाके चेक कीजिए। और चेक करने के बाद अगर आप देखते हैं आपके फ़ोन में रूट नहीं है, तो प्लीज़ अपडेट के लिए वेट कीजिए। मुझे नहीं लगता कि अपडेट रियलमी नहीं देगा, रियलमी अपडेट दे देगा। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ मुझे अपडेट चाहिए, 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो रहे हैं, अपडेट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आइए। ये जो कम्युनिटी पेज है, इस कम्युनिटी पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको तो पता ही है कम्युनिटी पेज है, सॉफ्टवेयर अपडेट पेज है, जहाँ पर जाने के बाद जिस फ़ोन का आप नहीं ढूंढ पा रहा है, या जिस फ़ोन का आपको अपडेट नहीं मिल रहा है, OTA नहीं आ रहा है कंपनी की तरफ से, उस फ़ोन का आपको जाके यहाँ से अपडेट आपको कर लेना है। देखिए अपडेट लॉग भी यहाँ पे दिया है, कैमरा एडेड, एक्सपर्ट मोड, सिक्योरिटी, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल मार्च 5, 2019। तो ये आपको यहाँ से कर लेना है, जिसका साइज है 2 GB। मैं यहाँ से रियलमी 2 और C1 की बात कर रहा हूँ, तो रियलमी 2 और C1 का जो कि फ्लैशिंग का अपडेट साइज है 2 GB, 2 GB आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैश किस तरीके से करना है, यहाँ पे हाउ टू अपडेट ऑप्शन में लाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने टोटल एकदम परफेक्ट वैसे यहाँ पे जो कि हाउ टू अपडेट प्रोसेस दिया गया है, इसको देख के आप कर सकते हैं। फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, मेरे चैनल में इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं वीडियो के एंड में उस वीडियो को डाल रहा हूँ, वीडियो के एंड में जाके उसको आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक न्यू यूज़र है, अगर आप करना चाहते हैं इस बूटलोडर को अनलॉक, यानी आप OTA को मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं इस प्रोसेस से, तो यहाँ पे आके इस टोटल स्टेप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया आपका फ़ोन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। यही सब बताना था इस वीडियो में। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है पूरा, तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके फ़ोन में रूट या बूटलोडर अनलॉक है या नहीं। अगर है तो उसको ऑफ़ कीजिए, आपको OTA मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं है फिर भी मुझे बताइए, ताकि मैं यहाँ पे रियलमी कंपनी से पूछ सकूँ कि क्यों यहाँ पे अपडेट नहीं मिल रहा है। तो वीडियो इतना ही, अगर आपको ये वीडियो देख के जानकारी मिल गया है तो नीचे जाके कॉमेंट कीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं मिले और कुछ सवाल और सुझाव हो, तो तब भी नीचे जाके कॉमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।